दुर्ग निगम ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने इंदिरा मार्केट पार्किंग में तिरंगा दुकान का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी संख्या में झंडा लेने वाले निगम की दुकान पर पहुंचकर अपने मन पसंद का तिरंगा लेते लोग नजर आए। दुर्ग नगर निगम ने शनिवार को इंदिरा मार्केट पार्किंग में तिरंगा दुकान का शुभारंभ किया, जिसका विधिवत शुभारंभ निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया, जहां महिला समूहों के सदस्यों द्वारा बनाए गए झंडों को किफायती दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम क्षेत्र के अन्य चिन्हित जगहों में भी स्टॉल लगाकर शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम जनों को झंडे उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त शहरवासियों से अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा के तहत शहर के लोगों की सुविधा के लिए दुर्ग के इंदिरा मार्केट पर दुकान खोली गई है। वहीं जरूरत के हिसाब से लोग पहुंचकर अधिक से अधिक झंडे का ऑर्डर भी दे रहे हैं, जिसका पूर्ति करने महिला समूह अब शासन की मदद चाह रही है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष क्षेत्र स्तरीय समिति की संचालिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही झंडा लेने पहुँचे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सक्षम क्षेत्रीय संगठन से हूँ, वार्ड नंबर 1 से गीता सोनी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मेरे समूह में कम से कम 200 महिलाएं हैं, अभी कम से कम 50 लोगों को काम मिला है। मेरे पास बहुत भी आर्डर आ रहे हैं, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि शासन का कुछ सहयोग मिले मेरे को। किस तरह का सहयोग चाहते हैं आप? जैसे कपड़े लेने हैं, दुकानें हैं, और कुछ कुछ और हेल्प चाहिए मेरे को। तो अभी मतलब जो पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं झंडे की? अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी और भी स्टॉल लगने वाला है, उसमें कुछ सहयोग चाहिए था। ठीक। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां आज़ादी का वर्षगांठ होने पे देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, और उनके आह्वान को जनमानस अक्षरशः पालन करता है। देश प्रेम की भावनाएँ हम सब में हैं, और इस बार जो आह्वान हुआ है, हम घर घर झंडा फहराने के लिए, मैं देख रहा हूँ लोगों में उत्साह का वातावरण है। इसलिए इसके साथ साथ और केंद्र दुर्ग शहर में खोले जाने चाहिए, ताकि आम आदमी को सुलभता से झंडा उपलब्ध हो सके। विभिन्न साइजों के होने चाहिए, और देश प्रेम का भावना भारत के प्रत्येक नागरिक में है, तभी हमने आज़ादी पाई है। केवल आवश्यकता है तो इन सेंटरों को और शहर के कुछ जगहों में हम खुलवाएँ, ताकि आम लोग आसानी से झंडा ले सकें। वैसे तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, ये भी झंडा उपलब्ध कराने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि ऐसे सेंटर्स और खुल जाएं, ताकि आम नागरिक झंडा करके अपने घरों में फहरा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।